हमने किताबें जी के मुझे भी कालम निकाले के मैदान में इन्होंने किया, तो अब मुझे अब मैं इनको जो कहना नसीहत करना चाहूँगा अपने कालम निकाली के तजर्बे की रोशनी में, वो ये है कि शेख अलहमदुल्ला बहुत बड़ा अफगान लाखों लोग इसको पढ़ते हैं और इसमें कालम निकाली का मौका मिलना एक बहुत बड़ा आपके लिए अल्लाह की तरफ से मौका। जैसे अभी सचिन साहब आपने कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो लातिन लोग हैं सेकुलरिस्ट अंग्रेजी अखबारों में तो पूरी तरह छाए हुए हैं, 90% जो लिखने वाले हैं कलम निकाले अंग्रेजी अखबार में वो ज़्यादातर लातिन लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं। तो उर्दू अखबारों में कुछ लोग हैं तो उसके अंदर एक जो है दीनदार आदमी या मुसलमान आदमी जो इस्लामी ख्यालात को पेश करता है उसको यह मौका है कि वो लाखों आदमियों के सामने अपनी बात को सामने लाए। एक इस्लामी रियासत का मकसद होता है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ में मारूफ है नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों को रोको, तो हुकूमत तो सख्ती से रोकती है तो अभी इस्लामी हुकूमत नहीं है, लेकिन एक कालम निगार जो है क्या लिखता है तो अच्छी बात लिखेगा बुराइयों से मना करेगा। तो ये काम जो है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ही का काम है, ये काम जो है लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना अच्छी बातों की तरफ बुलाना और उनको बुराइयों से हटाना और हर बात के अंदर आपको अल्लाह की तरफ बुलाने का नेकियों की तरफ बुलाने का भलाई की तरफ बुलाने का मौका मिलता है। आज का कालम मैंने इनका पढ़ा और गालिबन इनका पहला कालम या आज मैंने इनका कालम पढ़ा है और गालिबन अखबार में इनके पहला कालम निकाल करने के बाद पहला कालम तो बड़ी बड़ी खुशी हुई। इन्होंने जापान में जो इंतबाज हुए हैं उसके तालुक से लिखा लिखने का अंदाज क्या है कि उसके साथ दो तीन बच्चे हमारे सामने आते हैं अंदाज में ये नहीं कोई अखबार में ये हुआ वो हुआ डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई और 50 साल तक दी जाती है इन्फॉर्मेशन तो हर एक की होती है, लेकिन कालम का मतलब यह है कि आपके सबक दे रहे हैं पढ़ने वाले के लिए। तो इन्होंने सबक जो दिया एक तो ये कि वोट से बदला लिया जाए। अब हमारे मुल्क में क्लाशनकोफ का कल्चर है, जब हुकूमत के हम खिलाफ होते हैं तो वे बंदूक उठाते हैं कि हुकूमत बदलना है तो क्लाशनकोफ से हुकूमत बदलेगी या किसी के साथ अख्तलाफ हुआ तो लड़ाई झगड़े करते हैं। इन्होंने साबित किया कि वोटों के जरिए से आप तब्दीली ला सकते हैं और जहन और सोच को वोटों के जरिए से तब्दीली इस तरफ जहन को लेकर आया जाए इस बात को इन्होंने पेश किया। और भी तीन चार अच्छी बातें कि जापान के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं उन तमाम पे जब मैंने इनकी खबर सुनी कि ये कालम निगार बनने वाले हैं तो मैं सोच रहा था कि किस मौजू पर लिखेंगे यानी क्या मौजू होगा इनका, तो आज का कालम देख के पता चला कि ये जापान के हालात पर लिखेंगे। तो ये मुझे मैं जापान आ रहा था कोई 50-60 साल पहले की बात है, तो जमात इस्लामी के खारिजा मोर खारिजा के मरहूम मोहम्मद साहब हुआ करते थे इन चार से के बाहर जितने जमात इस्लामी के लोग हैं उनको वो कुछ नसीहतें डायरेक्टर डायरेक्शन दिया करते थे, तो उनकी नसीहत मेरे लिए ये थी और ये मैंने फिर नासिर नाकागावा साहब को भी बताई थी ये बात। उनकी नसीहत मेरे लिए ये थी आप जापान जा रहे हैं तो वहाँ जापान की आप स्टडी करके ये बताएं कि जापान की तरक्की का राज क्या है ताकि हम लोग भी सीखें कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम जापान से क्या कुछ सीख सकें। जब इनसे मेरी मुलाकात थी नासिर आगे उसको मैंने यही कहा कि मैं ये मिशन पूरा नहीं कर सका, आपको जापानी जबान आती है आप भी इस कोशिश करें कि जापान से हम अपने मुल्क के लिए अपने कल्चर के लिए अपने माशरे के लिए पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो मालूम हम अपनी पब्लिक को अपने आवाम को अपने लोगों को दें ताकि लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयाँ जापान की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनके अंदर पैदा हों और जापान की जो बुराइयाँ हैं वो उससे दूर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये टॉपिक अपना लिया है कालम निगारी के लिए कि जापान के मामला को जापान की अच्छाइयों को वो पाकिस्तान के लोगों से मुतारिफ कराएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम होगा। अल्लाह ताला इनकी खलम में जोर दे बरकत दे। बहुत शुक्रिया सर।
अब मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज उबैदुर रहमान नदवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الكريم إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه كل تداعى له